बिजली कानून 2003 के विरोध में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हमीरपुर में जमकर प्रदर्शन किया। विद्युत बोर्ड के अणुमृत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने गांधी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल, जोनल सचिव सुरेश शर्मा सहित हमीरपुर बड़सर व नादौन इकाइयों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। बिजली कानून 2003 के विरोध में विद्युत बोर्ड के कर्मचारियों ने हमीरपुर में जमकर प्रदर्शन किया। विद्युत बोर्ड के अणुमृत कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने गांधी चौक तक रैली निकाली। इस दौरान यूनियन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामेश्वर शर्मा, उपाध्यक्ष नंदलाल, जोनल सचिव सुरेश शर्मा सहित हमीरपुर बड़सर व नादौन इकाइयों के प्रधान सचिव मौजूद रहे। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरबाड़ा ने कहा कि जिस बिजली कानून 2003 को बिजली सुधारों के नाम पर बोर्डों को घाटे से उबारने के लिए निजीकरण और निगमीकरण कर लागू किया गया था, वह कानून किसी भी सुधार को पूर्ण करने में विफल रहा। वर्ष 2003 में जो बिजली घाटा 30,000 करोड़ रुपए का था, वह आज 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। आज पूरे देश का बिजली कर्मचारी और इंजीनियर बिजली कानून 2003 में संशोधन करने के इरादे से केंद्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जा रहा है उसके विरोध में पूरा कर्मचारी इंजीनियर सड़कों पर उतरा है। सन 2003 के अंदर बिजली बोर्डों का घाटा 3,000 करोड़ रुपए था, लेकिन जो बिजली सुधारों का सिलसिला सरकार ने शुरू किया वो घाटा 5 लाख करोड़ को पार कर चुका है। हम भारत सरकार से कहना चाहते हैं, आप बिजली क्षेत्र को घाटे से उबारना चाहते हैं या टाटा अंबानी बिरला अडानी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? आशात प्रतिशत विद्युतीकरण बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने किया, सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर रह करके किया, लेकिन आज एक ढांचा बन करके तैयार हो गया और इस ढांचे की नीलामी करने के लिए इस ढांचे को थाली में परोस करके बड़े धन्ना सेठों को लूट का लाइसेंस देने की बात केंद्र सरकार कर रही है, जिसको कदापि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस कानून को लेकर राज्य सरकारों की राय जाननी चाहिए, जिस पर देश की 20 राज्यों की सरकारों ने इस कानून को लागू न करने की सिफारिश की थी। इसके बाद भी केंद्र सरकार इसे लागू कर रही है। देश के 20 मुख्यमंत्रियों ने, 20 राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार को यह सूचित किया है कि यह कानून देश के हित में नहीं है, जनता के हित में नहीं है, इस कानून को देश के अंदर लागू ना किया जाए। लेकिन मोदी सरकार 20 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की राय को दरकिनार करते हुए प्रदेश के उपभोक्ताओं के हितों को ताक पर रखते हुए प्रदेश के 25 लाख एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के हितों को ताक पर रखते हुए टाटा लाइस अडवाणी अदानी को माला माल करने के लिए बिजली क्षेत्र की नीलामी लगाई जा रही है, बिजली क्षेत्र को बेचा जा रहा है। हम प्रदेश के उपभोक्ताओं से भी कहना चाहते हैं, अगर क्रॉस सब्सिडी खत्म होती है तो यह यूनिट 8 रुपए 12 रुपए 32 रुपए के हिसाब से जनता को खरीदना पड़ेगा। इसलिए यह कानून न प्रदेश के देश के उपभोक्ताओं के हित में है, न देश के किसानों के हित में है, न कर्मचारियों और इंजीनियरों के हित में है। अगर हित है तो धन्ना सेठों का हित है, बड़े
उद्योगपतियों का हित है। इस करके हमें कहना चाहते हैं, केंद्र में बैठी सरकार आम जनता के लिए काम करे, नौजवानों के लिए काम करे और देश को उद्योगपतियों के लिए लुटाना बंद करे। आज के इस सेक्शन से हमें संदेश देना चाहते हैं। विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों का दावा है कि ऊर्जा नीति के विफल होने के बावजूद केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2014 को संसद में पारित करवाने की बजाय अध्यादेश के जरिए देश की जनता पर थोपने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अपने फैसले को वापस नहीं लेती तो उनका आंदोलन और उग्र रूप लेगा। वहीं कर्मचारियों को पेंशनर फोरम के जिला सचिव विजय शर्मा ने भी संबोधित किया। आउटसोर्स कर्मियों के ऊपर एचपीएससीबी एम्प्लॉयज यूनियन ने कहना चाहती है कि आउटसोर्स प्रथा एक शोषण आधारित व्यवस्था है, एक गैर जिम्मेदार व्यवस्था है। आज आउटसोर्स के ऊपर जो कर्मी बिजली क्षेत्र के ऊपर काम कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा न्यूनतम मजदूरी तक मुहैया नहीं करवाई जा रही है, ईपीएफ की लूट की जा रही है और जो कर्मचारी फील्ड के अंदर दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं, कईयों के बाजू कट रहे हैं, टांगे कट रही हैं, कई मौत का ग्रास बन रहे हैं, लेकिन उनका जिम्मेवार ना कोई सर्विस प्रोवाइडर है, ना बिजली बोर्ड है, ना हिमाचल सरकार है, ना कोई देश की दूसरी सरकार है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आउटसोर्स प्रथा गैर जिम्मेदार व्यवस्था है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स कि आने वाले समय में जो बैठक होगी उसमें इसका निर्णय किया जाएगा कि अगला कदम क्या होगा।